कबाब, ये कीमा लिया है मैंने 1.5 किलो। तो इसके साथ ही मैंने ये दूसरी चीज़ों को भी कीमे में से निकलवा लिया। ये यहाँ पे मैंने साथ ही ये देखें सब्ज़ मिर्चें ली थी कोई 8 से 10, उसका पेस्ट, लहसुन अदरक 1 चम्मच, साथ मैंने 3 प्याज लिए थे उनको भी मैंने कीमे वाली मशीन से जो है वो निकलवा लिया। तो चले आए बाकी मसाले ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी इसमें डाल देंगे सारा। ये देखें सारी चीज़ें, 1 चम्मच लिया मैंने भर के दड़ा मिर्च का, ये 1 चम्मच जीरे का, सुरख मिर्च 1 चम्मच भर के, 1 टेबल स्पून मैंने भर के हल्दी लिया, ये सूखा धनिया मैंने लिया 2 चम्मच भर के डालेंगे इसमें, ये अजवाइन लिया मैंने 1/2 चम्मच, गरम मसाला पाउडर भर के 1 टेबल स्पून, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर पिसा हुआ, ये अब इसको मिक्स करेंगे सारे को, मिक्सचर को। नमक डालना मैं भूल गई थी, 1 चम्मच भर के इसमें डाल दें। ये देखिए कीमा अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसको हम हाफ क्वांटिटी करेंगे, इसकी 2 चीज़ें बनाएंगे। इसमें से कुछ जो ये वाला कीमा है इसके हम नान बनवाएंगे, ये वाले कीमे के हम जो है ये कबाब तलेंगे, इसके अंदर अब घी ऐड करेंगे। ये 2 चम्मच भर के हम घी के डालेंगे, अब इसको मिक्स करेंगे। सारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, इसको 1 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रखेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद इसके कबाब बनाएंगे। ये जो हमने नान के लिए कीमा निकाला था इसके अंदर अब हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच भर के बेसन के, ताकि ये अच्छी तरह और ड्राई हो जाए, ताकि नान में से कीमा हमारा गिरे ना। ये 3 चम्मच भर के हमने डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखें कीमा हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसके जो है नान बनवाएंगे और इंजॉय करेंगे। ये जो हमने कबाब का कीमा लिया था, अब हम इसकी तवे पे टिक्कियां पकाएंगे, चपली कबाब टाइप बनाएंगे इसके। ये थोड़ा सा घी डाला मैंने तवे पे, अभी मुझे इतने कबाब नहीं चाहिए इसलिए मैं 2-3 आपको बना के तो दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं इनको शाम में रेडी करूँगी, इसी से आपको दिखाने के लिए मैं ये 2 से 3 कबाब रेडी कर रही हूँ। ये देखें जी कबाब रेडी हो गए हैं, ये देखें इस रेसिपी को एंजॉय करें, और कितने सॉफ्ट ये रेडी हुए हैं। ठीक है, आप मेरी रेसिपी को इंजॉय करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।